उनके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, आइए समझ लेते हैं। बताएं संतोष, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? यस, मेरी दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। पहला फार्मा स्पेस है। ये इस सीरीज की बात करें तो फार्मा में हमको सबसे अच्छी रैली देखने को मिली है। करीबन फार्मा इंडेक्स भी 4.5% के आसपास रैली किया है इस सीरीज में, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम एक्सपायरी के आखिरी दो दिनों में कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अभी रोल ओवर इतने हुए नहीं है, हमको रोल ओवर पिकअप होते दिख सकते हैं। तो एक ग्लेनमार्क फार्मा है जो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, करीबन 16% की रैली दिखाई है इस मंथ में। मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था 520 की स्ट्राइक के जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहे थे, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 540 का टारगेट रहेगा, 510 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा पीएसयू स्पेस से, पीएसयू स्पेस पे मैं काफी बुलिश हूँ। आप निफ्टी पीएसयू इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो 2008 के बाद वो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में, मतलब कह सकते हो 14-15 साल का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो मुझे लगता है आने वाले 6 महीने, साल भर पूरा FY24 में पीएसयू बास्केट फोकस में रहना चाहिए। और कल हमने पिछले 2-3 दिनों में रेलवे स्टॉक्स में तो बहुत बड़ी तेजी देख ली है। अब इसका जो मेजर प्लेयर है पावर ग्रिड, उस पर मेरी नजर है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो पहले इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, स्टॉक ने पुल बैक दिखाया और फिर से ये तेजी दिखाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 239 का टारगेट रहेगा और 230 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ये एक फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क फार्मा और साथ ही पीएसयू स्पेस पर भी अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नजर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय। सुमित, इंडेक्स पर तो आपने कॉशियस स्टांस रखा है, लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मेरा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो अच्छे स्टॉक्स है या फिर जो रिटेस्ट कैंडिडेट्स है उसी तरफ जाना चाहेंगे, तो पहला स्टॉक रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे पिछली बार 1200 का जो अपना एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सस्टेन किया था, लेकिन 3-4 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद कल का अगर आप सेशन देखेंगे तो काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम था और जो क्लोजिंग था वो भी काफी अच्छा था। तो बिल्कुल आज स्टॉक जैसे ही कल का हाई क्रॉस करेगा, मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम और भी बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 1216 रुपए का, अपसाइड में 1270 1312 ये दो टारगेट रहेंगे, 1192 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एबीबी। देखिए एबीबी को हमने 3150 पे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक ने 3450 के करीबन हाई किया, फिर से नीचे आया और ये रिटेस्ट कैंडिडेट है। देखिए स्टॉक की सबसे अच्छी बात क्या है कि नवंबर 2020 से ये इससे अपने 200 मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया और हर बार इसको सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आज कल के सेशन में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और अच्छा एक कैंडल फॉर्मेशन भी बना है। बिल्कुल आप इसका हर एक डिप यूज कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3070, अपसाइड में टारगेट है 3670 एंड 4000, करंट मार्केट प्राइस है 3336 का। पर अब कुणाल बोथरा भी है, उनसे भी समझते हैं वो कैसे ट्रेड ले रहे हैं। आज कुणाल मॉर्निंग कैसे लेंगे आप इंडेक्स पे ट्रेड, क्या थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का सोन दिख सकता है आज के लिए? कैप है ऊपर, रेजिस्टेंस है ऊपर, हो सकता है कि कंसोलिडेट करे। सो दो इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स, पहले ग्लोबली की बात करूंगा तो इमर्जिंग मार्केट्स में शांघाई से लेके ताइवान काफ़ी सारे जो मार्केट्स हैं वो लास्ट 7 डेज में करीबन 4-5% करेक्ट कर चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे मार्केट से तो ये करीबन हमने आई थिंक 1-1.5% करेक्ट किया था, 17,850 से 17,550 तक हम गए थे इंडेक्स में। दूसरी जब मैं डेटा देखता हूँ एफएनओ की डेटा, बिकॉज ये एक्सपायरी वीक है तो रोलओवर्स की डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो लास्ट यू नो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो शॉर्ट रोलओवर्स है वो एक्चुअली ड्रॉप होते जा रहे हैं। तो कल की डेटा की बात करूँगा तो करीबन 10,000 से 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का गैप हो रहा है करंट मंथ एज वेल एज नेक्स्ट मंथ रोलओवर्स में। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट रोलओवर्स अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं कर रहे नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंट डेटा पॉइंट है, एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स से बता रहे कि थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है वहाँ पे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में, बट यू नो इन मार्केट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट है, डेटा भी काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लेवल्स के लिए प्ले करना चाहिए, बिकॉज डिफिकल्ट होता है गेज करना कि किस साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगा, टिल्ट करेगा। 17,550 जो हमने पिछला लो बनाया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडेक्स के लिए रख सकता है, और 17,850 का एक रेजिस्टेंस है जो मेरा मानना है कि अगर वो ब्रेक कर दें तो हम 18,200-18,250 का भी एम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ये आपने इनफैक्ट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताया, क्योंकि आप देखें भी ना तो FIs की तरफ से भी इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस हैं, तो यानी ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए और अभी भी बहुत हैं शॉर्ट सिस्टम में। लॉन्ग भले FI बढ़ा रहे हैं लेकिन शॉर्ट्स भी बहुत हैं। रोलओवर्स का डेटा जरूरी हमेशा शॉर्ट साइड से देखना चाहिए रादर देन लॉन्ग साइड में, बिकॉज़ एक डिबेट हो सकता है कि ये लॉन्ग साइड से भी डेटा हो सकता है।
सकता है, बट जो रोलओवर्स होते हैं वो इनहेरेंटली जो पोजीशन साइज होती है, जो पोजीशन मेक होती है, वो शॉर्ट टिल्ट ज्यादा होती है. तो रोलओवर्स अगर कम होते हैं तो एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि शॉर्ट रोलओवर्स कम हुए थे. ओके श्योर. तो आज ट्रेड कैसे करें, स्टॉक्स कौन से होंगे आपके? सो दो बाय कॉल में लार्ज कैप पे सजेस्ट करूंगा. पहला इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय कॉल रहेगा. जो मेरा मानना है कि कल के लास्ट आर मूव के बाद में शायद एक इंडिकेशन दे रहा है कि वो एक रेंज ब्रेकआउट पे आ चुका है, तो इस पे सजेस्ट करूंगा बाय के लिए. 2450 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस 2340 का रख सकते हैं. और सेकंड आईसीआईसीआई बैंक पे रहेगा. आई थिंक पोस्ट रिजल्ट स्टॉक ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दी अपसाइड में, बट कल की एक मूवमेंट के बाद में बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी ट्रेंड के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे भी एक अच्छा मूव आ सकता है. 935 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, 898 का स्टॉप लॉस. अच्छा ठीक है, तो आपने लिए भी हैवी वेट्स रिलायंस और बैंक्स में भी आईसीआईसीआई बैंक का आपने लिया. ठीक है, शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए. अब एक बार कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं, आइए कुश से समझते हैं उनके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज उन्होंने स्पॉट किए हैं. गुड मॉर्निंग कुश, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे सेक्टर स्पेसिफिक हो या इंडेक्स स्पेसिफिक, सीधे आपके स्टॉक आइडियाज से शुरुआत करते हैं, बताइए. जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग. दो आइडियाज हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं. पहला है एबीबी. देखिए, इस पूरे स्पेस में हम जानते हैं एक अच्छा खासा ट्रैक्शन था, बट फॉर अ ब्रीफ फाइल कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग साइडवेज कंसोलिडेशन था. पिछले कुछ सेशन में देखें तो एक अच्छा खासा रिवाइवल आया है. कल के सेशन में एक्चुअली एक फॉलो अप हमें अच्छा खासा बाइंग देखने मिला है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है. 3430 ये आपका इमीडिएट टारगेट रहेगा, 3290 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा. जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज जेके सीमेंट. अगेन वेरी सिमिलर स्टोरी, स्टॉक एक अच्छे खासे अपट्रेंड में था. कुछ सेशन पहले हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, बट स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज से अपना जो सपोर्ट लेके रिबाउंड दिखाया है उसका फॉलो थ्रू भी हमें कल देखने मिला. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप एक बाइंग पोजीशन लेके चल सकते हैं. 2975 ये आपका टारगेट, 2890 इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें. एबीबी में कल एक और खास बात हुई.